उत्तराखंड के मित्र पुलिस भले ही अपने संचार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पीठ थपथपाती नजर आ रही है, लेकिन इसके ठीक उल्टा एक मामला जनपद उधम सिंह नगर में सामने आया है, जहां लैंडलाइन फोनों के बिल नहीं जमा होने की वजह से लंबे समय से पीएनटी ठप पड़े हैं। इसीलिए पुष्टि के लिए जब एसपी सिटी जिले के कुछ कोतवाली के नंबर डायल करते हैं तो फोन नहीं लगते हैं, जो एक विचारणीय विषय है। उधम सिंह नगर जनपद में लगभग 17 पुलिस थानों के सरकारी लैंडलाइन नंबर ज्यादातर लंबे समय से बंद या खराब पड़े हैं। यदि यह नंबर इंटरनेट पर खोजे जाए तो जगह जगह लैंडलाइन नंबर निकल आते हैं। अगर किसी जरूरतमंद का जो है वो फोन करता है तो ये नंबर बंद मिलते हैं। इस संबंध में जब एसपी से पूछा गया, उन्होंने थाने में बंद पड़े पीएनटी फोनों को जल्द चालू कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, साथ में पुलिस हेल्पलाइन 112 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उधम सिंह नगर से जफर अंसारी की रिपोर्ट। से 15 जो थाने हैं उनको नंबर अलॉटेड है और इसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। इस समय हम लोग बीएसएनएल से भी बात कर रहे हैं और इनमें कोशिश की जाती है कि नंबर्स जो हैं ये लगातार वर्किंग ऑर्डर में रहें, तो इसको हम लोग एंश्योर करा रहे हैं कि सारे नंबर वर्किंग ऑर्डर में रहें। इसके अलावा हम पे थानों के सीयूजी नंबर्स हैं और उत्तराखंड पुलिस का मोबाइल ऐप है, तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप का सर्वाधिक सभी लोग प्रयोग करें। इसमें SOS बटन भी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए।